हाय गाइस, तो आपने देखे मेरे बहुत सारे वीडियोस जो मैंने गुड वाइब्स पे बनाए हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने इस ब्रांड से खरीदे हैं। एंड सिंस मैं काफ़ी टाइम से ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि मैं कैसे इन प्रोडक्ट्स को अपने रेगुलर स्किन केयर रिजीम में यूज़ करती हूँ, किस सीक्वेंस में मैं इन प्रोडक्ट्स को लगाती हूँ और मतलब मेरा रूटीन एक्चुअली क्या है। तो आज हम वो देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बालों को करना है टाई ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करें, और फिर मेकअप रिमूवर से सारा मेकअप अच्छे से हटाना है। लेती हूँ गुड वाइब्स का लेमन फोमिंग फेस वॉश और इसके एक या दो पंप इनफ होते हैं। फिर अच्छे से आपको इस फोमिंग फेस वॉश के फोम से अपना फेस साफ करना है। नेक भी क्लीन करिएगा, मसाज करिएगा इसको ऑलमोस्ट एक मिनट तक, ताकि अच्छे से डीपली आपकी गंदगी जो है फेस की वो क्लेंस कर पाए। अब फेस वॉश कर लेना है और उसके बाद एक फेस टॉवल से हल्के हाथों से डैप करके पानी को सुखाना है। प्लीज़ रब मत करिएगा, इससे बहुत हार्म होता है स्किन को। सेकंड स्टेप है हम टोनिंग का, और इसके लिए मैंने यूज़ किया है मलबरी ग्लो टोनर अगेन फ्रॉम गुड वाइब्स। ये काफ़ी ही अमेजिंग टोनर है और ये बहुत जल्दी ही आपके पोर्स को क्लोज करता है। जैसे ही फेस वॉश कर लें, इसके दो चार स्प्रे अपने फेस पे लें, हल्के हाथों से डैप करें ताकि पोर्स अंदर जाके क्लीन कर पाएँ। हल्की सी मसाज करिए, जितना अब्जॉर्ब हो रहा है ठीक है, जितना बाकी बचेगा उसे अगेन आपको फेस टॉवल की मदद से अब्जॉर्ब करना है और एक्स्ट्रा टोनर आपको अपने फेस से रिमूव करना है। टोनर की हेल्प से स्किन इमिडिएटली सूद हो जाती है, अगर आपको कोई भी इरिटेशन है वो हट जाती है। स्किन को बहुत ही कामिंग इफेक्ट मिलता है टोनर से, क्योंकि एक्स्ट्रा जो आपके पोर्स में गंदगी होती है वो भी निकल जाती है और आपकी स्किन काफ़ी फ्रेश फील होती है। थर्ड स्टेप इज स्किन ग्लो सीरम अगेन फ्रॉम गुड वाइब्स। ये विटामिन B3 और विटामिन C का कंबाइंड मिक्सचर वाला सीरम है एंड मैं इसके 2-3 ड्रॉप्स लेके अपने फेशियल पॉइंट्स पे रखती हूँ। 1-2 ड्रॉप फोरहेड पे, 2-3 चीक्स पे, 1 नोज पे, एंड देन इसको मैं मसाज करके अपनी स्किन में अब्जॉर्ब करवाती हूँ। हल्के हल्के हाथों से आपको ये प्रेस करना है अपनी स्किन पे, ताकि आपके जो स्किन के पोर्स हैं वो इस सीरम को अब्जॉर्ब कर पाएँ। थोड़ी मसाज करिए और थोड़ा सा अपने हाथ रख रख के इसको प्रेस करिए, ताकि ये स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट कर पाए। सीरम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं और आपकी स्किन पोर्स इन्हें ईजीली अब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से आपकी स्किन पर रिजल्ट्स दिखाते हैं। इसलिए सीरम को डेली रूटीन में इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। नाउ कम्स फेशियल ऑयल। मैंने लिया है गुड वाइब्स का माराकुजा और कुकुई नट ऑयल। माराकुजा एक स्किन ग्लो ऑयल है एंड कुकुई नट एक हाइड्रेटिंग ऑयल है। मैं इन दोनों बेनिफिट्स के लिए इन दोनों ही ऑयल्स के 2-4 ड्रॉप्स को मिक्स करती हूँ एंड मैं इन्हें अपने फेस पे यूज़ करूँगी। मिक्स करने के बाद थोड़ा पैम पे रब करना है ताकि ऑयल हल्का सा हीट अप हो जाए और इसको डैप करके स्किन पे लगाना है। लगाने के बाद आपको अच्छे से अपने स्किन पे इसकी मसाज करनी है। बहुत ज़्यादा प्रेशर से मत करिएगा, लाइट प्रेशर मसाज करिएगा और आप इसके बाद बेस्ट रिजल्ट्स देख पाएंगे। ये दोनों ही ऑयल स्किन हाइड्रेशन और ग्लो के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आई होप आपको ये स्किन केयर रूटीन वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट पर विजिट करिए। उस पर आपको इन प्रोडक्ट के डिटेल में जो मैंने कहाँ से लिए हैं, रिव्यूज़, प्राइसेस, इंग्रेडिएंट्स आपको सब मिल जाएंगे जो भी आपको देखना है, और कहाँ से आप इन्हें खरीद सकते हैं आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ विजिट करिए माय वेबसाइट chitranshi.com। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, यू नो द ड्रिल, प्रेस द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट दैट। सो आई विल सी यू अगेन एक नई वीडियो के साथ, एंड दिस इज ऑल फॉर नाउ। बाय।